गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स. गुड आफ्टरनून सर। गुड ओके, सो आई होप यू आर ऑल वेल एंड यू गॉट अ मैसेज दैट आई हैड यस्टरडे पोस्ट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. यस सर। ओके, सो आई विल टेल यू दैट व्हाट वी हैव टू डू इन दैट सी कोड, दैट प्रोग्राम, व्हाट वी हैव टू राइट in that presentation, that how can you make the presentation and how can you generate the idea. So firstly in the session हम अभी पहले कुछ पढ़ेंगे जो कि जैसे मैंने बताया था कुछ हम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आर्डिनो के बारे में आज पढ़ते हैं. एंड देन एट द लास्ट मैं उसे डिस्कस करूंगा कि कैसे हमें प्रेजेंटेशंस डेवलप करनी है, कैसे प्रॉब्लम्स कुछ जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमारे स्कूल में बने हुए हैं तो हम उनको अभी क्या है शोकेस करेंगे एज पर द पार्ट ऑफ द दैट सी कोड इनोवेशन प्रोग्राम. ओके, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन योर अटेंडेंस और यू कैन जस्ट राइट डाउन योर नेम एंड क्लास इन द चैट बॉक्स. ओके, सो आफ्टर 3 मिनट्स वी विल स्टार्ट अवर सेशन. गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. सो लेट्स बिगन विद द सेशन. सो आई होप जो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ाया था आपको कि व्हाट इज करंट, व्हाट इज ब्रेडबोर्ड, व्हाट इज वोल्टेज. सो किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ब्रेडबोर्ड्स को समझने में? सबको समझ में आ गया ब्रेडबोर्ड कैसे वर्क करता है? ओके, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। यस ओके, सर। सो
किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको पढ़ाया था कि दैट हाउ ब्रेड बोर्ड वर्क, हाउ कैन यू कनेक्ट द एलईडी, काइंडली टेल मी, किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम प्रीवियस सेशन में? महक, प्रियांशी, विस्टी, सारा, सृष्टि, रीना, तिश्या, नो सर, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन. इट्स अबाउट द एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स दैट की जो प्रीवियस सेशन में हमने बहुत ही सिंपल सीरीज सर्किट एक देखा था, तो उसमें हमने ब्रिस्क ब्रेडबोर्ड और एक एलईडी ली थी, ठीक है. तो बट इट्स अ वेरी बेसिक जो था वो जो मैंने कराया था, बट अगर हमें 10 LEDs या 15 LEDs के कनेक्ट करना है तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, आइदर इन सीरीज और पैरेलल. फिर हम देखेंगे कि जैसे कैसे पुश बटन का यूज होता है, पुश बटन कैसे यूज करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द आर्डिनो. ओके, सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन. ओके, सो आई होप सभी स्टूडेंट्स को मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल होगी. यस सर। ओके, जैसे प्रीवियस में हमने देखा था कि जैसे कैसे जो कनेक्शंस करे जाते हैं बेसिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में भी देखा था कि व्हाट इज बैटरी, व्हाट इज कॉइन सेल, जम्पर वायर्स भी होते हैं. जैसे जम्पर वायर्स किस लिए होते हैं? टू कनेक्ट जो सेंसर्स या हम कोई भी डिवाइसेस है उनको हम अपने जो भी लाइक आर्डिनो या ब्रेड बोर्ड से हम कनेक्शन करने के लिए हम डिफरेंट जम्पर वायर्स को यूज करते हैं. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेनली जम्पर वायर्स, मेल टू मेल, जिसमें आपकी दोनों पिन्स क्या आती है, जो पिन्स जो आपकी जो पिन्स जो कनेक्ट होती है इसमें मेल टू फीमेल होती है. इसमें क्या है, एक पिन्स में पिन्स होगी ना, एक साइड में पिन्स होगी, एक साइड क्या है आपका सिंपली होल्स होगा, ठीक है. इसमें क्या है, दोनों तरफ होल्स होगा, फीमेल टू फीमेल. तो बेसिकली कुछ टर्म्स होते हैं वायर्स के, वैसे नहीं कि हम वी आर द प्रोफेशनल्स, हम अगर एटीएल लैब में है तो हम टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे. हम ऐसे नहीं कि सर प्लीज सर मुझे वायर दे दो, बट मुझे नहीं पता सर कौन सा वायर चाहिए. तो यू हैव टू नो, रिमेम्बर दिस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जम्पर वायर. और जम्पर वायर क्या करते हैं कि अपने मतलब कनेक्शंस कनेक्ट टू पिंस टू ईच अदर विदाउट सोल्डरिंग, मतलब इसमें सोल्डरिंग नहीं करनी होती. कि सोल्डरिंग में क्या होता है कि पूरी पीसीबी से हम सोल्डरिंग कर सकते हैं, बट क्या करना है कि ये जो बिगनर्स है, वी आर, जैसे हमने प्रीवियस टर्म में बताया कि ब्रेडबोर्ड में हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वी आर द बिगनर्स. तो हम जब बिगनर्स हैं तो हम सोल्डरिंग में इतना परफेक्शन नहीं है, तो तब हम क्या यूज करेंगे, और ये जो जितने भी आप देख रहे हो वायर्स, ठीक है. आफ्टर दैट डायोड कैपेसिटर मैंने बता दिया था, एलईडी के बारे में भी मैंने बताया था, रजिस्टर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि रजिस्टर क्या होता है, और ये कलर कोडिंग आपको मैंने पूरी बताई थी पढ़ के आने की. तो सभी ने बच्चों आपने कलर कोडिंग ये पूरी पढ़ ली? बच्चों कलर कोड सबने पढ़ लिया था घर पे जाके? से यस और नो. और स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्स, इफ आप अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप व्हाट, यस सर। सबको समझ में आकर रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेशन करी जाती है? किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है. देन हम आज के सेशन में अब मूव ऑन करते हैं. तो ओम लॉ तो सबको पता ही होगा, ठीक है, दैट करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. मेनली हम ओम्स लॉ क्या करते हैं कि करंट्स को मतलब एक पास करने के लिए, जैसे किसी वायर्स में कैसे करंट फ्लो, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, करंट क्या होगी, उस पाथ में कम फ्लो होगी. तो करंट हमेशा कौन सा पाथ चूज करती है, जहां पे उसको कम रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्ट मीन्स जहां से कम रुकावट होती है वहीं से क्या करंट हमेशा फ्लो करना चाहेगी, ठीक है. सो अब स्टार्ट करते हैं सीरीज कनेक्शन, जहां से हमारा जो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन जो हमें आज पढ़ना है, ठीक है. व्हाट इज सीरीज कनेक्शन, ठीक है. तो बेटा सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी हमारी डिवाइस होती है वो सब कनेक्ट होती है वन टू वन. मींस अगर एक डिवाइस में R1 करता हूँ, ठीक है, R2 करता हूँ और R3 करता हूँ, तो यू कैन सी दैट कि अगर ये प्लस है तो ये दूसरी डिवाइस क्या है, इसी के माइनस से यहाँ पे कनेक्ट है, इसी के प्लस से ये कनेक्ट है और इसी के माइनस से ये कनेक्ट है. मीन्स वन बाई वन बिल्कुल आपके इंटरकनेक्ट होगी, ठीक है. कोई भी इसमें करंट आपकी मतलब डिवाइड नहीं होगी. मीन्स अगर करंट यहाँ से फ्लो आई कर मैं करता हूँ, आई को उसको काउंट करता हूँ, करंट को आई मानता हूँ, तो आई पूरी पर्टिकुलर सभी में कॉमन फ्लो होगी. देयर आर नो डिवाइडेशन ऑफ करंट इन द सीरीज कनेक्शन. ओके, यू कैन सी द एग्जाम्पल सिंपली. ये तो रेजिस्टेंस का क्या है कि सीरीज में रेजिस्टेंस मतलब आपके डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, R1 + R2 + R3. ओके, सो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है बेटा कि
जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, करंट का डिवाइडेशन हो जाता है, ठीक है, करंट का क्या होता है, डिवाइडेशन हो जाता है। और पैरेलल डिवाइस में क्या होता है, जो सबसे पहली डिवाइस होगी, जो सबसे पहली डिवाइस होगी वो सबसे तेज ग्रो करेगी, और जो सबसे आखिरी डिवाइस होगी वो क्या है, मिनिमल ग्रो करेगी। और ये आईआईटी में भी क्वेश्चन आता है कि पहले अगर पैरेलल में डिवाइसेस कनेक्ट है, अगर एक बल्ब उसमें जो कनेक्ट है, फर्स्ट बल्ब, टू बल्ब, सेकंड बल्ब, तो विच बल्ब गोज ब्राइटर। तो पैरेलल कनेक्शन में हमें क्या याद रखना है, जो भी हमारा फर्स्ट जो भी डिवाइस होगी वो सबसे ज्यादा क्या है, ब्राइटर होगी, और जो सबसे लास्ट होगी वो क्या होगी, मिनिमल होगी, ठीक है। बट अगर वो सीरीज कनेक्शन में है तो हमें याद रखना है कि उसमें से जो भी जो हमारा जो कनेक्शन में डिवाइसेस है वो बिल्कुल सेम ब्राइटनेस और सेम फ्लो जो होगा करंट का होगा वो सेम होगा, और वो ब्राइटनेस भी उनकी सेम होगी, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन आपको सबको समझ में आया, ठीक यस सर। है। तो अब सीरीज पैरेलल कनेक्शन कैसे हम अपने टिंकर कैट में कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये यस बहुत ही सर। मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बच्चों को मतलब अगर मैं बात करूं बेसिक की, तो बच्चों को बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, और वो फिर क्या करते हैं आगे, फिर उनको जब डिफिकल्टीज होती है कि कैसे सर सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमें याद रखना है कि जो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में सबसे बड़ी बात करते हैं, सीरीज कनेक्शन हमारी करंट क्या है सेम रहेगी, इन पैरेलल कनेक्शन क्या है करंट हमारी क्या है आपकी डिवाइड होगी, मीन्स की जो पहले सर्किट में, जैसे अगर यहाँ पे आप देखो, ठीक है, तो पहले सर्किट में हमारी करंट यहाँ से रोटेट करी तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, आई थिंक 1 एम्पियर आई, ठीक है। बट जैसे ही आप जाओगे तो I1 क्या है कि ये जो I2 ये अगेन 2 में डिवाइड हो जाएगी, जैसे यहाँ पे गई I, तो यहाँ पे गई I1, ठीक है। उसके बाद क्या है, I1 जब यहाँ पे फ्लो करेगी तो अगेन I2 + I1 हो जाएगा, फिर I2 + I1 + I3, मीन्स करंट क्या है बहुत डिवाइडेशन हो जाएगी। तो करंट क्या है, ज्यादा डिवाइसेस से फ्लो करेगी तो सबसे लास्ट वाली डिवाइस क्या होगी आपकी, जो कम ग्लो करेगी, ठीक है। तो अब कैसे ब्रेडबोर्ड से उसको कैसे डिजाइन करते हैं, इसके लिए मैं फुल ब्रेडबोर्ड लेता हूँ। प्लीज बच्चों देखो ध्यान से देखना, कहीं भी अगर कुछ भी आपको कोई भी डिफिकल्टीज आए तो यू कैन आस्क मी, ओके। ये ब्रेडबोर्ड ले लिया था और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ब्रेडबोर्ड पूरा समझा दिया था, ठीक है। अब मैं इसी में क्या करता हूँ, इसी ब्रेडबोर्ड में मैं सीरीज कनेक्शन भी करता हूँ, साथ में पैरेलल कनेक्शन भी करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एलईडीज है, ठीक है, तो मैं यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट 4 LEDs आपके लिए रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि अपने हाउस होल्ड में विस टाइप ऑफ कनेक्शन आर देयर, सीरीज और पैरेलल, पैरेलल वाई पैरेलल वाई वाई पैरेलल, पैरेलल सर, करंट डिवाइड होता है, क्योंकि सर अगर सेम टाइप का करंट हमारे सारे सर्किट में होगा तो फिर सर प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह। ओके, बट इट्स नॉट करेक्ट। मैं देखो अब इस जो एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैंने 4 LEDs ली, तो मैं यहाँ से आपको पूरा समझाता हूँ, ठीक है, कि क्यों मतलब हम बेसिकली अपने हाउस होल्ड में जनरली पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं, ठीक है। ये मैंने बैटरी ले ली, एंड आई होप कि सभी को एलईडीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी, ओके। सभी बच्चों को एलईडी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, एलईडी 2 टर्मिनल डिवाइस होती है, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता एलईडी के बारे में तो यू कैन सी दैट एलईडी में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है, बिग होती है हमारी जो उसकी जो पिन होती है, नेगेटिव की जो कैथोड होता है उसकी स्मॉलर होती है, ठीक है। अगर दोनों की सेम पिन है तो बाय द इंटरनल डिजाइन ऑफ द एलईडी वी कैन से दैट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ओके। सो आई थिंक कि इतना सब बच्चों, ये सिंबल है एलईडी का, आई होप कि सभी बच्चों को पता होगा, बट ये अपने वाला फिजिक्स में काम आता है जब थ्योरी में, बट मैं थ्योरी पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। वो आप उसका जो भी कनेक्शन है, जो भी आप डिजाइनिंग है वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो अब जैसे कि हमने सर्किट डिजाइन करना चाहा, ठीक है, सर्किट में हमने डिजाइन करा, लाइक कि हमने एक सोशल डिस्टेंस अलार्म डिजाइन करा, ठीक है, बट मुझे पता ही नहीं है कि कैसे कनेक्शंस करे जाते हैं, ठीक है। मुझे तो केवल सीरीज कनेक्शन पता है, मुझे आगे कनेक्शन कुछ पता नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि अगर हम 4 डिवाइसेस या 10 डिवाइसेस भी हों तो कैसे उनको सीरीज में कनेक्शन कराता है, कैसे उनको पैरेलल में कनेक्शन कराता है, ठीक है। तो मैं इन सब डिवाइसेस को देखो एक की यहाँ पे रख दे रहा हूँ। फर्स्टली आई विल डू द सीरीज कनेक्शन, ओके। ये मैंने 4 LED यहाँ पे पिक कर ली, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में देखो क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने बताया आपको कि सीरीज कनेक्शन में, ठीक है, सब डिवाइसेस आपकी इंटरकनेक्ट होती है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक
ठीक है, ऐसे होती है। तो हम इस यहां भी करते हैं, देखो ये क्या है, कैथोड क्या है निगेटिव, एनोड क्या है पॉजिटिव। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे क्या रखा, देखो इसके जो पॉजिटिव से हमने देखो जैसे हमें बताया गया यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेता हूँ, देखो ये क्या है बैटरी, बैटरी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो गया, ठीक है निगेटिव से स्टार्ट करते हैं अगर, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सीरीज कनेक्शन था, हमें क्या करना है पूरा इंटर कनेक्ट आपकी सारी डिवाइसेस कनेक्ट करनी है। तो वही मैंने करा, देखो निगेटिव से पॉजिटिव गया, पॉजिटिव से फिर क्या निगेटिव कनेक्ट करा, एंड अगेन फिर देखो क्या करा, यहां से निगेटिव यहां से पॉजिटिव एंड देन फाइनल दिस वन। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये हमने सारे सीरीज में कनेक्शन करे हुए हैं, ये सारे हमने सीरीज में कनेक्शन करे हुए हैं। तो यू ऑल्सो नो दैट कि अगर हमें कभी भी कोई भी डिवाइस कनेक्ट करनी होती है तो हम उसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की में मैंने यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने क्या करा, पॉजिटिव मैंने यहाँ पे इसको जस्ट सी, मैंने पॉजिटिव यहां से ये कनेक्ट कर दिया एंड निगेटिव मैंने इस रेल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आई विल चेंज द कलर कि आप कंफ्यूज ना हो। देखो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना कि कैसे सीरीज कनेक्शंस में क्या डिफरेंस होते हैं, तभी फिर हम आगे अपने जो सेंसर्स, जब जो हमारे आर्डिनो आ जाएंगे, डिफरेंट बॉक्स आ जाएंगे, तो कैसे उनको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब समझ में आया कि मैंने क्यों यहाँ पे इस रेल में पॉजिटिव कनेक्ट करा है, इस रेल में निगेटिव कनेक्ट करा है, कि हमारे पूरे जो एक रेल में कॉमन्स क्या है, हमारे जो करंट फ्लो निगेटिव हो जाए और एक में पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो अब बताओ अच्छा बच्चों यहाँ पे कौन सा वायर हम अटैच करेंगे अपने बैटरी से, नेगेटिव नेगेटिव वाई वाई निगेटिव, ये और देखो ये एक क्या तरफ से है, एलईडी की नेगेटिव साइड जुड़ी उससे और नहीं देखो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव देखो करेंगे। सुनना ध्यान से, देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है कैथोड से। ठीक है, कैथोड बच्चों क्या होता है निगेटिव, किसी का भी कैथोड क्या होता है निगेटिव होता है, एनोड क्या है पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमारी इसमें जो है, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, दिस वन। ठीक है, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में बेटा जैसे आपने जैसे ट्रेन्स में, इसका भी प्रोजेक्ट मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है कैसे 7 सेगमेंट को हम कनेक्ट करते हैं जैसे, तो आपने इसको बहुत यूज देखा होगा, जैसे कभी आपने रेलवे स्टेशन में देखा होगा टाइमिंग, जैसे टाइमर चलता रहता है। ठीक है, जो डिजिटल टाइमर होता है, आपने जैसे किसी शॉप में देखा होगा रनिंग में चलती हुई सारी डिवाइसेस की जिसका नाम का, तो वहां पे हम क्या करते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे टाइमिंग्स के लिए एलसीडी भी यूज करते हैं, जैसे पूरा एक पर्टिकुलर पूरा फ्लो में करने के लिए। तो ये सब में क्या है कि आपको देखो जैसे कि ये देखो क्या है एलईडी कैथोड और एलईडी एनोड, अगर हमें पता ही नहीं है कि व्हाट इज एनोड व्हाट इज कैथोड, तो हम कभी भी सर्किट को डिजाइन नहीं कर पाएंगे, सर्किट हमारा गलत हो जाएगा और वो ग्लो नहीं करेगा। तो सबसे बेसिक पॉइंट क्या मैंने आपको बताया कि एनोड क्या होता है बेटा, पॉजिटिव कैथोड निगेटिव। देखो अब मैंने देखो यहाँ पे क्या करा हुआ है, एनोड से क्या करा है रेजिस्टेंस कनेक्ट करा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कौन सा वायर अटैच करूंगा बताइए अब। कैथोड 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 अरे बेटा मींस ये जो आप समझ नहीं पा रहे हो, आई होप तो ध्यान से पहले मेरी बात को सुन, तो सबको पहले पॉजिटिव करें। इस डिवाइस का कनेक्शन समझ में आ गया, पहले आप मुझे बताओ कि कैसे ये मैंने सीरीज में कनेक्ट करा। यू सी कि क्या होता है सीरीज में जो भी डिवाइसेस होती है, अगर मैं निगेटिव यहाँ पे देता हूँ तो निगेटिव का मैं निगेटिव देन ये पॉजिटिव हो, फिर पॉजिटिव का फिर निगेटिव, फिर देन क्या है यहाँ पे फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, यही मैंने यहाँ पे करा कि नहीं करा पहले मुझे बताओ। यस सर ठीक है, कि मैंने क्या करा निगेटिव से स्टार्ट करा, निगेटिव से पॉजिटिव, फिर इसका एलईडी का निगेटिव देन इसका पॉजिटिव देन निगेटिव देन पॉजिटिव देन निगेटिव देन पॉजिटिव, और एक रेजिस्टेंस लगाया है। रेजिस्टेंस क्यों लगाया है, क्योंकि बैटरी में क्या है अगर मैं इस रेजिस्टेंस को नहीं लगाता, ठीक है तब बताओ बेटा मैं यहाँ पे कौन सा वायर अटैच करूँ, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है पॉजिटिव करूंगा ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसकी वायर को मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और जस्ट सिंपली मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ मैं सिंपली इसको डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और ये। ठीक है,
तो मेरा कनेक्शन सीरीज कनेक्शन ओवरऑल सही है, बट अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म पे देखूं, ठीक है, तो क्या होगा? यू कैन सी दैट स्टार्ट सिमुलेशन, क्या हुआ देखो, सारी एलईडी मेरी ग्लो कर गई, बट क्या आ गया मार्क, देखो क्या आया कि जो जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है। जैसे अभी क्या क्वेश्चन मार्क, मतलब जो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे सर्किट्स में कुछ, मतलब एक, मतलब कुछ चीज ही क्या है, डेफिशिएंट, कमी है कि जिसके लिए हमें यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, देखो करंट थ्रू द एलईडी इज दैट 40.8 मिली एम्पियर, वाइल रिकमेंडेशन कितनी है हमारे 20 मिली एम्पियर, यानी करंट ज्यादा आ रहा है। तो करंट ज्यादा आ रहा है तो हमें कम कैसे करना पड़ेगा, वी नो दैट करंट को रेजिस्टेंस कैसे हम करते हैं, रेजिस्टेंस के थ्रू। लगा ठीक है, रेजिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे इसके, और इसको मैं यहाँ से डिलीट करके जस्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट, देखो अब सब क्या है, बहुत ही क्या है, ग्लो कर रहे हैं, देखो ग्लो कर रहे हैं, बट क्या है, इनकी क्या है, जो पावर है वो कम आ रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू को कम कर देंगे। तो हम गए यहाँ से, और मैंने यहाँ से इसको करा 500 ओम। ठीक है, अब देखो अभी क्या है, थोड़ा सा और भी क्या है, जो करंट फ्लो हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, और हमारा क्या है मिनिमम पॉइंट में जा रहा, तो और इसको, और सॉरी किलो ओम हो गया ये, सॉरी भाई मैं कहूँ, ठीक है, देन मैं स्टॉप करता हूँ इसको, अब स्टार्ट करता हूँ। देखो अब क्या हुआ, थोड़ा सा ब्राइटनेस और बढ़ी, तो मैं और इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 250 ओम करता हूँ यहाँ से, ठीक है, स्टॉप एंड स्टार्ट। देखो अब क्या हुआ, और जैसे जैसे से अब, क्योंकि क्या है एलईडीज क्या है ज्यादा हमारी, तो करंट क्या सबसे फ्लो के जा रहा है, तो हम मिनिमम जहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, हम 100 ओम्स भी ट्राई कर सकते हैं, यू कैन सी दैट, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 100 ओम्स, देखो अब क्या और ज्यादा ग्लो हुए, तो यू कैन सी दैट कि वेरियस रेजिस्टेंस की वजह से देखो हमारे कनेक्शंस क्या है, उनकी जो डिवाइसेस की जो ब्राइटनेस है, यानी जो करंट फ्लो है, वो चेंजेबल हो रहा है। ओके, तो ये क्या है, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो सब बच्चों को सीरीज कनेक्शन समझ में आ गया? यस सर ठीक है, अब यस इसी सर इसी ब्रेडबोर्ड में मैं पैरेलल कनेक्शन करता हूँ। ठीक है, अगेन आई विल टेक द एलईडी। अब देखो अब दोनों में डिफरेंस समझना, क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मुझे एक बनाना है ट्रैफिक लाइट का प्रोजेक्ट, ठीक है, बट मुझे पता ही नहीं है कि सीरीज पैरेलल क्या होता है, मैं मुझे एलईडी कनेक्शन ही नहीं करने आएंगे फिर। ठीक है, एंड देन ब्लू। ठीक है, अब देखो ये मैंने एक रेजिस्टेंस सिंपली लगाया हुआ है, देखो एक रेजिस्टेंस से मेरा वर्क हो गया है। ठीक है, बट पैरेलल कनेक्शन में ऐसा नहीं है, पैरेलल कनेक्शन में क्या करना पड़ेगा, हमें हर कनेक्शंस में अलग रेजिस्टेंस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो पैरेलल कनेक्शन में क्या है कि करंट क्या है, हर डिवाइस से अलग अलग जाएगी, कॉमन करंट ली जाएगी। अगर कॉमन जाती सीरीज कनेक्शन की तरह, हम एक रेजिस्टेंस से अपना वर्क कर लेते, बट अभी क्या है कि अभी जो भी डिवाइसेस हैं ये पैरेलली कनेक्ट है, तो पैरेलल में क्या है कि हर डिवाइस में करंट क्या है अलग अलग जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस सेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, कैथोड्स क्या है कॉमन है, कैथोड्स को हम सिंपली क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं अपने, लाइक दिस। तो इसका कलर्स मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, दिस वन, ठीक है, मैंने ये इसको, इस रेल को मैं क्या कर दूंगा, यहां से एक वायर लूंगा, और ये इसको मैं निगेटिव बना, ठीक है, कॉमन, ये कॉमन हमारे जो वायर्स के सभी में हमने क्या करता है, ऐसे ही घरों में भी करते हैं, क्या करते हैं, एक कॉमन न्यूट्रल होता है, उस कॉमन न्यूट्रल को, वही निगेटिव को हम सब वायर्स में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट। लेकिन अब हम आते हैं पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में यहां से लेके इसमें कनेक्ट कर देता हूँ करंट में। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट मैं अगर यहां से करता हूँ, ठीक है, देखो दिस वन मैं केवल दो को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या होगा कि ये क्या हो गई यहाँ पे, ओ सॉरी ओ सॉरी, ठीक देखो बहुत ध्यान से देखना कि क्यों पैरेलल कनेक्शन हम घर पे करते हैं।
या हम अपने सर्किट्स में भी कौन कौन से कनेक्शन करेंगे, कैसे क्या करते हैं, ये भी यहीं से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने करा और स्टार्ट सिमुलेशन, देखो क्या हो गए। आप अच्छा बताओ कि ये जो ये डिवाइस है, ठीक है, 100 ओम, और ये डिवाइस क्या है, ये हमारी एलईडी क्या हो गई, क्या हो गई बेटा, डैमेज, क्यों डैमेज हो गई? रेजिस्टेंस नहीं लगा। रेजिस्टेंस नहीं लगाया, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या था कि जो सीरीज कनेक्शंस में क्या था, एक करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है, तो हमने एक सिंपल सा रेजिस्टेंस लगा दिया और उससे हमने पूरे सर्किट को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। बट इन पैरेलल कनेक्शंस हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक रेजिस्टेंस से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक रेजिस्टेंस से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हर डिवाइस पे रेजिस्टेंस को यूज करना पड़ेगा। तो हम हर डिवाइस पे क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो सी दैट, जस्ट मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है, और मैं इसकी वैल्यू को क्या रखूंगा, इसकी देखो 1 किलो ओम है, तो ये बहुत ज्यादा 1 ओम है, तो मैं 500 ओम करता हूँ, ठीक है, एंड अगेन आई विल टेक द रेजिस्टेंस, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट डायरेक्ट इट, मतलब ब्रेडबोर्ड में आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ओके, और इसको मैं यहाँ से 500 ओम फिर करता हूँ। ऑल्सो अगर आपको कॉपी करना है, सिंपली यू कैन जस्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है, आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, ओके, ठीक है, एंड देन ऑल्सो कंट्रोल वी अगेन, ठीक है। तो मैंने सब सब में क्या करा, देखो कॉमन रेजिस्टेंस मैंने यूज कर दिया, ठीक है, बट यहाँ मैंने एक सिंपल रेजिस्टेंस यूज करा था, ठीक है, देन अगेन स्टार्ट विद द, ठीक है, देखो जो प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने क्या करा, यहाँ पे कनेक्शंस इसको कनेक्ट नहीं करा, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स को हम यहाँ से क्या करते हैं, दस कनेक्टेड पॉजिटिव एंड ओके ओके, आई हैव टू कनेक्ट अंडर दिस, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो सारी जो एलईडीज हैं, ठीक है, वो क्या है कि आपकी देखो ग्लो कर रही है, देखो सबको सारी एलईडीज ग्लो कर रही है, पहले आप ये देख लो, यस सर, यस सर। ठीक है, अगर आप वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर लोगी, ठीक है, और मल्टीमीटर जैसे यहाँ पे मल्टीमीटर आपको दिखाता हूँ, मल्टीमीटर, ठीक है, मल्टीमीटर से आपने क्या करा, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, देखो जो करंट का आपका आ रहा है, ठीक है, देखो 17.8 mA, ठीक है, तो हर डिवाइस से देखो क्या होगा, अलग अलग आपका जब मल्टी हम स्कूल जाएंगे तो अभी आप खुद भी चेक करना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा कि हर डिवाइस में आपका जो भी करंट है वो अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस उस डिवाइस को क्या कर रहा है, देखो करंट क्या है, एक बार गई अपोज हुई तो कम हुई, ठीक है, दूसरी डिवाइस पे गई फिर अपोज क्या है, कम हुई, देन ऐसे ऐसे करते जब लास्ट में जाएंगे तो आप देखो कि सबकी ब्राइटनेस क्या है जो लास्ट वाली डिवाइस की, उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे जो हमारे पैरेलल कनेक्शंस होते हैं उनमें करंट का कैसे, मतलब जो रेशियो होता है कैसे कम होता जाता है बाय द रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। अब घरों में क्यों यूज करते हैं, तो कोई मुझे बता पाएगा इसको देख के पूरे कनेक्शंस को, सीरीज और पैरेलल को? बताइए, हाँ क्योंकि सीरीज में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होती है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होती है तो ये तो फिर हमें बेकार बात है ना, अगर कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज हो रही है तो। पैरेलल में वोल्टेज जगह सेम होता है, पैरेलल ओके ठीक है, में कंट्रोल कर सकते हैं सिंगल सिंगल डिवाइसेस को, सीरीज में घटते ओके चलेंगे सबके साथ। ओके, यस दैट्स द आंसर। देखो क्या हुआ, बाय चांस दिस एलईडी क्या हो गई, ये क्या हो गई, डैमेज बाय चांस, ठीक है,
मैंने सर्किट्स यहाँ से ऑन करा, तो देखो पैरेलल कनेक्शन तो हमारे सारे ऑन हो गए, बट सीरीज कनेक्शन यहाँ पे क्या हो गए, सारे ऑफ। तो क्या हम अभी कभी चाहेंगे बाई चांस ये भी एलईडी मेरी खराब हो गई पैरेलल की भी? ठीक है, तो देखो ये तीनों कनेक्शन हमारे क्या है, स्टिल ग्लो कर रहे हैं अगर मेरी ये डिवाइस क्या है खराब भी हो गई है। तो बताइए हम कौन सा यूज करना चाहेंगे आप बताओ। अच्छा फिर पैरेलल पैनल ना, पैरेलल तो सबको समझ में आया कि व्हाई वी आर यूजिंग द पैरेलल सर्किट एंड व्हाई वी आर यूजिंग द सीरीज सर्किट। सबको समझ में आया? किसी यस सर, यस को सर, डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस कैसे कर रहे थे ब्रेडबोर्ड में, ये हमने पूरा कवर कर लिया। ठीक है, अब देखो टिंकर सर्किट्स, जैसे मैंने बताया टिंकर सर्किट्स, जैसे पूरा आपको मैंने बताया हुआ कि कैसे हमें काम करना है, जैसे ये इन्होंने बताया सीरीज, जैसे हम कॉइन से भी कर सकते हैं सीरीज पैरेलल एलईडी इन सीरीज। ठीक है, तो अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स में चाहिए तो आप एक बार जाके अपने होम पे कर लेना। अच्छा ये कनेक्शन बताओ अभी क्या है, दिस वन, ये जो मेरे सामने सीरीज कनेक्शन दिख रहा है सीरीज सीरीज है ना? तो सीरीज ऐसे ही कनेक्शंस क्या है कि हमें अपने माइंड में ध्यान रखने हैं, और ये क्या है कि जो कनेक्शंस हमें टिंकर कैड ने प्रोवाइड है, तो ये टिंकर कैड के कनेक्शन हमें करने भी है, क्योंकि मैंने देखा कोई बच्चा एक्टिविटी कोई करता नहीं है। तो अब आपका भी होमवर्क है कि आप क्या करो, जो भी मैं जब यहाँ पे सेशंस पढ़ाता हूँ तो आप उसको ट्राई करो, ग्रुप में पोस्ट करो कि कुछ पता चले कि दैट यू आर लर्निंग और नॉट। अगर आपको कोई डिफिकल्टीज है तो जब तक आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में नहीं जाओगे तो कैसे उसमें फिर आपको पता होगा कि ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या डिफिकल्टीज आ रही है। तो ये सभी का होमवर्क है कि वो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को करेंगे, और ग्रुप में उसकी पिक खींच के, अगर आपके पास फोन है तो आप स्क्रीनशॉट लेके उस ग्रुप में पोस्ट करोगे। ठीक है, आप वैसे क्या, अगर पेपर सर्किट भी, जैसे हमारे स्कूल, जैसे स्कूल खुल जाए, अगर स्कूल ओपन होते हैं तो आप देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चों ने पेपर सर्किट बनाए हुए हैं। तो पेपर सर्किट तो बहुत ईजी होता है कि आप देखो करिए, मैं इमेज देखूं, देखो उन्होंने क्या करा है, कॉपर की स्ट्रिप लेके रखी है, बस एक ऐसा मतलब चार्ट पेपर लिया हुआ डिजाइन करा है और ऐसे ग्लो कर दिया है। तो यू कैन सी दैट, अगर मैं यहाँ से देखो दिखाता हूँ आपको, देखो देखो सिंपली क्या करा है, उन्होंने रेजिस्टेंस लिया है, कनेक्ट करा है पेपर से, एक कॉपर की फॉइल होती है, इसको कनेक्ट करके दो कॉइन्स लेंगे, एक को पॉजिटिव में एक को निगेटिव में। ठीक है, तो ये जब स्कूल्स ओपन होंगे तो तब हम आपको कराएंगे कि कैसे ये पेपर सर्किट्स डिजाइन होता है। ओके फाइन, सबको समझ में आ गया? ठीक यस सर, यस सर, है, यस किसी सर, को डाउट? नो सर, अच्छा चलो नो। अब आते हैं अपने जो मेन जो जो सेशंस में। ठीक है, तो सेंसर्स एक्चुएटर्स, ठीक है, कैसे कैसे सेंसर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स, कौन कौन से हम यूज करेंगे, जैसे जो टिंकर करने, देखो टिंकर करने बेटा हर कोई सेंसर्स अपने अवेलेबल नहीं है। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ऑल कंपोनेंट्स करता हूँ, तो हमारे पास फोटोडायोड सेंसर है, ठीक है, एम्बियंट लाइट सेंसर है, फ्लैक्स सेंसर है, ठीक है, फोर्स अल्ट्रासोनिक, टेम्परेचर सेंसर, आईआर सेंसर, अल्ट्रासोनिक, मतलब कुछ ही सेंसर्स अवेलेबल है, हर कोई सेंसर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बट जितने सेंसर अवेलेबल हैं अगर हमें उनकी ही वर्किंग समझ में आ गई तो आई थिंक कि आप काफी कुछ मतलब जो आर्डिनो के बारे में लर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले सेंसर्स क्या होते हैं, कोई मुझे बताए? जो कुछ सेंस करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हमें कोई रिजल्ट शो करते हैं, डिटेक्ट करते हैं किसी भी चीज को, मतलब देखो जिसका सेंसर्स सेंसर है, एक, ओके सेंस सेंसर्स करके एक, रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ सेंसर्स क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि इन्वायरमेंट्स की जो भी उनके जो आप कह सकते हो जो भी हमारे टास्क हो रहे हैं इन्वायरमेंट्स, जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेशर है, ठीक है, उनको मेजर करके हमें क्या करता है, उनका डेटा शो करता है। ठीक है, देखो आप देख सकते हो कि व्हाट इज सेंसर, यू कैन ऑल्सो जस्ट राइट डाउन, सेंसर आर द दोज इलेक्ट्रॉन विच सेंस द इन्वायरमेंट अराउंड अस एंड कन्वर्ट दैट इन्वायरमेंट पैरामीटर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मींस जैसे टेम्परेचर सेंसर्स की बात करूं या साउंड सेंसर की बात करूं, ठीक है, तो अब मैं आई एम जस्ट शाउटिंग, अगर मैं शाउट कर रहा हूं तो मैं कितने डेसिबल में शाउट कर रहा हूं, तो आप अच्छा कैसे पता लगाओगे बताओ? बाय द यूज ऑफ द सेंसर, आप सेंसर लगाओगे मेरे जस्ट माइक में और मैं कितनी फ्रिक्वेंसी से या कितने डेसिबल से साउंड कर मतलब शाउट कर रहा हूँ, दैट यू कैन मेजर इट। ऐसे टेम्परेचर सेंसर है, फ्लैक्स है, प्रेशर सेंसर है, बहुत सारे सेंसर आते हैं, तो
वो हम उसको पढ़ेंगे भी, जो भी सेंसर हमें टिंकर कैड अवेलेबल है, और हम उससे वर्क भी करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि सेंसर आर दोस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट सेंस द एनवायरनमेंट। अगर आपको लिखना है ठीक है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो क्लिक द पिक्चर। वॉट इज एक्चुएटर्स? ठीक है, एक्चुएटर्स क्या है? इट्स अ वेरी न्यू टर्म। देखो एक्चुएटर्स कुछ नहीं है, ठीक है, एक तरह से आप ये समझ लो जिसे जो मोटर्स हैं, ठीक है, जो आपके और मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, जो क्या करते हैं अपने मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में फॉर्म, सॉरी मैकेनिकल आउटपुट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे दिस वन इज क्या, मोटर। ठीक है, ये क्या करेगा, मैकेनिकल जो इसको मिला इसको क्या करा, इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करा। ओके, ओ सॉरी जस्ट कंफ्यूज इट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। एक्चुएटर्स कुछ नहीं है, जस्ट एज अ मोटर। जैसे मोटर का काम क्या है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेके मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सेम एक्चुएटर्स भी करते हैं। ठीक है, एक्चुएटर्स आर दोस कंपोनेंट्स व्हिच गिव यू मैकेनिकल आउटपुट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मींस बाय इलेक्ट्रिकल जो करंट है। तो लाइक दिस वन इज बाय ऑपरेशनल मोटर्स है, ये हम किस पे यूज करते हैं, जो आपने जस्ट कार देखी है, अगर आपने कार देखी होगी तो मैं दिखाता हूँ आपको सेंसर्स पे। इफ आई हैव एन एग्जांपल ऑफ द कार, नो इन दिस वी हैव नॉट द एग्जांपल ऑफ कार। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो ये कार देख रहे हो आप, सबको रोबोटिक कार दिख रही है ये, यस सर, ठीक है, तो इस रोबोटिक कार को ये जो व्हील्स है इनको कैसे रोटेट कराना है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि हमेशा आपको कार को आगे करना है, कभी पीछे भी करना पड़ेगा। तो दिस इज द मोटर वेयर विच वी यूज इन अवर प्रोजेक्ट, दिस इज द बाई ऑपरेशनल मोटर है। ये कौन सी मोटर बेटा, बाई ऑपरेशनल मोटर से एक्चुएटर से बोलते हैं इसको, और ये क्या करेगा आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल उसमें कन्वर्ट करेगा। तो सिमिलरिटी जैसे विजन है, ठीक है, तो कुछ सेंसर हमारे कॉमन सिमिलरिटी से अल्ट्रासोनिक है, डिस्टेंस सेंसर है कि हम कितनी दूर तक मतलब डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो विजन जैसे विजन हो गया, जैसे उसको अल्ट्रासोनिक है, साउंड है तो माइक्रोफोनिक सेंसर हो गया, सेंस है तो गैस सेंसर हो गया, टच है तो टच सेंसर है। मीन्स कुछ सेंसर हमारे जैसे जो हम हमारे पास जैसे आईज है, ईयर्स है, ठीक है, नोज है, तो वैसे ही हमारे पास कुछ सेंसर हैं जो भी कॉमन बिल्कुल सिमिलरिटीज है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? ओके, तो ये सब देखो, ये सब नोट करते रहो, आपको देखो ये सब चीजें पढ़नी है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब आपको कर दिया तो आपको पढ़ना नहीं है। तो ये सब चीजें देखो, डिजिटल एंड एनालॉग, अभी आर्डिनो से पहले आपको सब चीजें पता होनी चाहिए कौन से डिजिटल है कौन से एनालॉग। तो डिजिटल सेंसर्स आर द वन विच गिव्स यू आउटपुट एज 0 और 1। ठीक है, तो अच्छा आप ये बताओ कि डिजिटल सेंसर्स कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, जो आउटपुट जिनका 0 या 1, अगर आपको किसी को पता है कि डिजिटल सेंसर्स उन्होंने देखा है, कभी पढ़ा है सेंसर्स बारे में, किसको पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है सेंसर्स के बारे में? सेंसर्स के बारे में बच्चों किसी ने पढ़ा है कभी? नो सर। ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो डिजिटल, देखो पहले देखो कॉपी पेन में जरूरी सब चीजें नोट करते रहना, भले ही मतलब पूरा डिटेल में मत जाना बट कुछ चीजें तो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, डिजिटल सेंसर और एनालॉग सेंसर। देखो डिजिटल सेंसर्स बहुत इजी है, बस जिनकी वैल्यू क्या हाई या लो जाएगी, बस जिनकी वैल्यू हाई या लो। तो आईआर सेंसर, ठीक है, आईआर सेंसर बेटा क्या करता है, इंफ्रारेड सेंसर होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम इंफ्रारेड भेजते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आ जाता है तो क्या हो जाता है ये हाई हो जाएगा, अदरवाइज ये क्या है 0 रहता है। तो इंफ्रारेड, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। तो ये सब जो, ये सब जो चीजें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो आप लोग को क्या ये सब चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए थी। ठीक है, हमारी जो एटीएल लैब है, ठीक है, तो ये एटीएल लैब हमारी 2018 से सेटअप है, तो ये सब चीजें सेंसर्स जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ये हम लोग बेसिक क्लास से ही पढ़ाते हैं, क्लास 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अब जैसे चीजों को हमें पता नहीं है तो हमें ये नहीं करना कि जो मैं पढ़ा दूं बस उतना ही, हमें क्या करना है खुद से भी थोड़ा स्टडी करना। देखो जो सी कोर्स का प्रोग्राम है इसमें वही बच्चे टॉप 30 टीम्स नेशन वाइड में जाएंगे जो कि थोड़ा खुद से भी करेंगे, जैसे उनको पता है कि ये जैसे मैंने बता दिया पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। ठीक है, अब काम क्या है इसका, ठीक है, कैसी वर्किंग है, तो ये सब भी थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जून भर में क्या करना है अपना पूरा सेशंस कंप्लीट करने हैं और हमें अपने जो कॉम्पिटिशन्स के लिए एंट्रीज देना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम हो पाएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा,
तो प्लस प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप जाओ घर पे टिंकर कैट में, ठीक है, जाके देखो इनपुट क्या होते हैं, ठीक है, व्हाई दिस इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है, तो आउटपुट क्या है, आउटपुट क्यों लिखा है यहाँ पे, ठीक है, व्हाई व्हाट इज आउटपुट, ठीक है, तो ये सब चीजें एक बार पढ़ो। पावर पावर कौन कौन से, देखो पोटैटो बैटरी है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो आप पोटैटो बैटरी का, देखो कि कैसे, देखो कि हमने यहाँ पे एक क्या करी है, एक स्क्रू यहाँ पे क्या करा, पिन करा है, यहाँ पे हमने सिंपल जैसे इसको वो कर दिया है, ठीक है, स्टार्ट सिमुलेशन करोगे और यहाँ पे एलईडी अगर कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक है, तो ये ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा पढ़ने से क्या करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा खुद से भी को भी इसमें इन्वॉल्व कराना पड़ेगा एटीएल लैब में। मैं ही नहीं कर रहा हूँ, आप बस 1 वीक में 1 आवर्स एटीएल के लिए दे दो, आप क्या है कि बहुत ज्यादा सीख लोगे, ठीक है। सो सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स में समझ में आया कि नहीं, व्हाट इज सेंसर्स व्हाट इज एक्चुएटर्स। यस सर, अब डिजिटल और एनालॉग, देखो डिजिटल बहुत सिंपल है, डिजिटल मींस जिनका आउटपुट हमें हाई या लो मिले वो कौन कौन से हो गए, डिजिटल सेंसर्स। लाइक जैसे कि आपकी जैसे मोटर्स है, ठीक है, तो मोटर अगर सिंपली मोटर है दिस वन, अगर मैं सिंपली मोटर्स की बात करता हूँ दिस वन, ठीक है, विदाउट किसी भी इसमें मतलब कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस नहीं कनेक्ट है, हम केवल सिंपल क्या कर रहे हैं मोटर्स के टर्मिनल वन को क्या कर रहे हैं, यहां से कनेक्ट कर रहे हैं और इसको टर्मिनल टू में, जस्ट इट एंड स्टार्ट सिमुलेशन। देखो क्या हो गई, मोटर क्या है आपकी, देखो कितने आरपीएम में रन कर रही है, देखो कितने कर रही है, 17,450 आरपीएम। मींस ये क्या हो गई, एक बार में ऑन हो गई, जैसे ही हमने इसको क्या करा सिग्नल दिया, ये एक बार में ऑन हो गई, यानी डिजिटल सिग्नल हमने इसको बस हाई दे दिया तो ये ऑन हो गई, ठीक है। बट अब मैं आ गया हूं किस पे, आपके टेम्परेचर सेंसर पे, ठीक है, तो क्या टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, नो सर, नो नहीं सर, रहता ना, तो जो सेंसर्स हमारे चेंज होते रहते हैं, विच गिव्स यू आउटपुट एनी वेयर बिटवीन 0 to 2, ये क्या है एक बाइनरी वैल्यू होती है, 0 to 1, 0 to 3, ठीक है, तो ये क्या करते हैं अपनी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं, जैसे गैस सेंसर हो गया, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर हो गया, क्या गैस क्या हमेशा कॉमन, उस जो गैस की वॉल्यूम होगी क्या हमेशा गैस की वॉल्यूम सेम रहेगी, नहीं, कहीं की गैस क्या है, कोई CO2 ज्यादा होगी, कहीं ऑक्सीजन ज्यादा होगी, कहीं नाइट्रोजन ज्यादा होगी, तो जो सेंसर्स अपने को चेंज करते हैं एज पर द एनवायरमेंट वो एनालॉग सेंसर होते हैं, और डिजिटल सेंसर्स कौन होते हैं, जिनकी वैल्यू भैया भैया तो हाई है तो लो बस, जैसे एलईडी लाइट है, जैसे एलईडी है, ठीक है, तो इस पे हम क्या कर रहे हैं, क्या तो सिंपल ये ग्लो होगी अभी सिंपली या ऑफ होगी, इसके अलावा क्या इसका, तो क्या इसकी ब्राइटनेस चेंज हो रही है, बताइए क्या इसकी ब्राइटनेस चेंज हो रही है, नो सर, ठीक है, ब्राइटनेस की कब चेंज होगी, जब हम यहाँ पे इसको क्या लगा देंगे पोटेंशियोमीटर, अगर हमने पोटेंशियोमीटर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तब इसकी ब्राइटनेस क्या है चेंज हो जाएगी, ओके। सो डिजिटल और एनालॉग सेंसर समझ में आए, क्योंकि जब आप आर्डिनो को पढ़ोगे, देखो जब आप आर्डिनो में जाओगे, देखो जब आप आर्डिनो जाओगे देखो क्या लिखा है, डिजिटल और एनालॉग, तो जब तक आपको एनालॉग सेंसर और डिजिटल के बारे में पता नहीं चलेगा कि कौन से सेंसर हमारे डिजिटल होते हैं कौन से एनालॉग होते हैं, तब तक आप क्या है इसको नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, ठीक है, अब मैं जो एक्चुएटर, देखो बाय ऑपरेशनल मोटर, ठीक है, डीसी गियर मोटर, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, वाइब्रेशन मोटर, वाटर पंप मोटर, आउटपुट डिवाइसेस, एलसीडी डिस्प्ले, बजर मॉड्यूल, आरजीबी रिले, तो ये सब डिवाइसेस क्या है कि एक बार आपको बस पढ़ना है जाके, ठीक है, मैं आपको ये जो मटेरियल्स है मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, असेसमेंट इसमें नहीं करना है क्योंकि ये हम लोग का मॉड्यूल है, टीचर्स का हम लोग का मॉड्यूल रहता है, तो इसमें आपको असेसमेंट नहीं कंप्लीट करना है, केवल आपको अगर पढ़ने के लिए चाहिए तो मैं ये मटेरियल्स दे दूंगा, अगर कोई बच्चा इंटरेस्ट है कि सर नहीं मुझे कुछ पढ़ना है डीपली में तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, बट इट्स माई रिक्वेस्ट कि ये हम लोग का मॉड्यूल हम लोग को मिलता है पढ़ने के लिए, तो आप लोग इसका मतलब Day 1 असेसमेंट प्लीज काइंडली आप इसको फिल मत करिएगा, गॉट द पॉइंट। यस सर, Yes. अगर किसी को चाहिए तो ही दूंगा मैं, ऐसे मतलब इस जनरली हम लोग को शेयर नहीं करना होता ये मटेरियल्स, ये हम लोग का होता है मटेरियल्स पढ़ाने के बच्चों को, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट विद द आर्डिनो, पहले तो मुझे तो आर्डिनो किसने किसने देखा हुआ है, एनीवन हैव सीन आर्डिनो,
नो सर। ओके देखो, आर्डिनो आई थिंक कि हमारी लैब का सबसे मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्या है, डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे मोस्टली हम अपने सारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स आर्डिनो में ही डेवलप करते हैं, ठीक है। तो आर्डिनो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, आर्डिनोस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्टली व्हाट इज दिस, इट इज अ ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर। क्या होता है, ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर मेक्स इट इजी टू राइट एंड अपलोड टू द बोर्ड, ठीक है। अब आर्डिनो क्या है, ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को इंसर्ट करते हैं और रन करते हैं, और जो भी इसमें वेरियस सेंसर्स लगे रहते हैं उनसे हम एज एन इनपुट या आउटपुट फॉर्म में डेटा लेते हैं, ठीक है। अभी भी कुछ कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले हम इनकी पिंस पे जाते हैं, फीचर्स एंड आर्डिनो। तो ये जो पिक, आप इसको पहले क्लिक कर लो अपने फोन से, ठीक है। ये आर्डिनो का मतलब पूरा पूरा कैसे यूज करना है, ठीक है, कौन कौन से डिवाइस में कौन कौन से, ये आप आर्डिनो जाओगे इसमें, दिस वन, जस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये जो आर्डिनो, ठीक है, इसमें हम वर्क करेंगे। ओके, मैं इसको सब हटा देता हूँ, जस्ट अभी हम सेशंस को एंड करते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे रुकेंगे बस। देखो ये आर्डिनो है, ठीक है, दिस वन इज आर्डिनो। अगर हमें आर्डिनो के बारे में पता नहीं है कि सर 5 वोल्ट क्या है, 3.3 वोल्ट क्या है, ग्राउंड क्या है, वी इनपुट क्या है, A0 A1 A2 क्या है, तो हम क्या कभी अपने प्रोजेक्ट बना पाएंगे? नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको पूरा समझेंगे, इनको पूरा क्या समझेंगे कि कैसे क्या यूज करना है। देखो हमारे जो सेंसर्स होते हैं वो टू सप्लाई पे वर्क करते हैं, कौन कौन से, 3.3 वोल्ट में, और आज मैं केवल ये 5 पिन्स डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है, मैं केवल इसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देखो जो सबसे अच्छा पहले बताओ, बेसिक नीड क्या होगी किसी भी डिवाइस को ऑन करने की, किसी भी सेंसर्स को? बैटरी देखो बैटरी नहीं बेटा, पावर बोलते हैं, पावर, ठीक है। मतलब किसी भी डिवाइस को ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पावर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पावर हम कैसे दे, या तो हम बैटरी कनेक्ट करें, तो बहुत ज्यादा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखो बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, बैटरी हम कहाँ कहाँ बैटरी कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा कि एक डिवाइस एक लॉन्च करी, एक डिवाइस लॉन्च करी जो कि पूरी इनबिल्ट है, पूरी इनबिल्ट है, उसमें सब कुछ है और वो इजी टू यूज है, मींस कि पावर भी हम उससे ले सकते हैं, डिफरेंट सेंसर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, आर्डिनो, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वेरियस सेंसर्स पे अटैच कर सकते हैं, जैसे डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन लिखा है, ठीक है, एनालॉग पिन लिखा है, प्लस इसमें क्या है, आपकी पावर भी दी गई है, तो ये बहुत ही इजी यूज हो गया, ठीक है। तो जो हमारे सेंसर्स हैं, मैंने आपको बताया कि वो दो सप्लाई पे वर्क करते हैं, मैं इसमें आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो एक क्या होगा 3.3 वोल्ट और एक क्या है 5 वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम सेंसर्स जो भी हमारे सेंसर्स है, कौन कौन से बेटा सेंसर्स हैं, देखो जैसे ये सेंसर्स है अल्ट्रासोनिक, देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 5 वोल्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने 5 वोल्ट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और ग्राउंड को, जो ग्राउंड क्या होता है बेटा, निगेटिव, भाई ग्राउंड क्या हुआ, निगेटिव, तो हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। हर डिवाइस में आपको देखो दो सेंसर्स आपको मिलेंगे, क्या है ग्राउंड, क्या है ये आउटपुट, और ये क्या है पावर। तो पावर आप 3.3 वोल्ट में भी अटैच कर सकती हो, पावर आप इस जो इस पे अटैच कर सकते हो, इस पे भी अटैच कर सकते हो, दोनों क्या है सेम, आपकी एफिशिएंसी जो पावर है आपकी वो कॉमन रहेगी, मींस 3.3 में भी आपके सेंसर ऑपरेट हो जाएंगे, 5 वोल्ट में भी ऑपरेट हो जाएंगे, बट जिसमें मेंशन है, जिसमें मेंशन ही है 5 वोल्ट, तो उनको हम कभी 3.3 वोल्ट से कनेक्ट नहीं करेंगे। देखो इसमें क्या है, मेंशन नहीं है, तो हम इसको 3.3 वोल्ट से भी अटैच कर सकते हैं। गॉट द आंसर? देखो यस जैसे सर। PIR जी सेंसर है, देखो पावर है, तो हम इसको 3.3 वोल्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं और 5 वोल्ट से भी, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो जो बिग सेंसर्स होते हैं, जैसे ये जो सेंसर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर है, तो इसको क्या चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। पावर ज्यादा क्या, सिग्नल्स को क्या करता है, जैसे कि ये क्या, अगर कोई भी मोशन होगा, कोई भी, जैसे आजकल जो होम ऑटोमेशन हो रहा है कि जैसे ही आप क्या करो रूम में एंट्री करो तुरंत लाइट ऑन हो जाए, तुरंत क्या लाइट ऑन हो जाए, तो
वहां पे क्या यूज हो रहा है, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर यूज होता है कि गेट पे लगा रहता है, जैसे ही आपने गेट में एंट्री करी इसने क्या करा, आउटपुट सिग्नल क्या भेजा कि हाँ नाउ एनी अमन एंटर्स इन द रूम, और ये मोशन तुरंत सिग्नल भेजता है। तो इसको थोड़ी सी पावर क्या, हमेशा 5 वोल्ट ही हम जनरली देते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा इस सब सारे सेंसर्स की वर्किंग। तो आईओ इनपुट आउटपुट, इसका आईओ का रेफरेंस क्या है, इनपुट आउटपुट रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वो हम आर्डिनो को हमेशा जो 5 वोल्ट ही रखेंगे, ठीक है। आर्डिनो का जो रेफरेंस वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, ठीक है। रीसेट क्या है कि जैसे कि अब हमने कोई प्रोग्राम फीड करा इस पे, ठीक है, अब हम चाहते हैं इसकी कुछ वैल्यू हम चेंज कर दें, ठीक है। बट इसमें क्या है कि प्रोग्राम ऑलरेडी फीड है, तो क्या होगा, दोनों प्रोग्राम क्या करेंगे, रन होंगे, तो आपको आउटपुट क्या सही नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा हमें क्या करना है कि जब भी प्रोग्राम हम कोई नया फीड करेंगे तो हमेशा देखो रीसेट बटन, या तो आप यहाँ से भी रीसेट कर सकते हो, इसका हम कभी यूज नहीं करते हैं। हम हमेशा देखो जो ये देख रहे हो ना, ये रेड बटन, ये रीसेट ही बटन है, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा, पहले आप मुझे ये बताओ कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूं? नो सर, थोड़ा अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको यहीं पे जाता नहीं क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। बट आप लोग पहले क्या करो, ठीक है, ये जितने भी सेंसर्स हैं, ठीक है, सेंसर जितने हमारे किसमें, टिंकर कैड में, कौन कौन से, देखो टिंकर कैड के सेंसर से ही वर्किंग यहाँ पे बताई गई है। जैसे ये देखो फ्लैग सेंसर है, ठीक है, फोर्स सेंसिटिव सेंसर है, ठीक है, वाटर लेवल सेंसर है, ये मैं सब बताऊंगा आपको सारा कुछ, ठीक है। तो एक बार आपको बस स्किप क्या करना है, एक बार जाके आज घर पे कि फोटो रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, पुश बटन की मैं वर्किंग सिखाऊंगा नेक्स्ट में, फोर्स सेंसर कैसे, बस केवल पढ़ना है, मैं ये नहीं कर रहा उसकी वर्किंग पूरी, बस पढ़ना है कि क्यों यूज करते हैं, ओनली दिस। टिंकर कैड में जाके एक बार जस्ट सारे सेंसर्स को आपको बस क्यों यूज, बस वाई पूछ रहा हूँ, इसकी वर्किंग नहीं बोल रहा हूँ, बस वाई वी आर यूजिंग टिल्ट सेंसर, वाई वी आर यूजिंग टेम्परेचर सेंसर, वाई वी आर यूजिंग गैस सेंसर, ठीक है। बस यहां से स्टार्ट करना आपको, कहाँ से, फोटो रजिस्टर से स्टार्ट करके, ठीक है, गैस सेंसर तक आपको रीड करके आना सेंसर्स के बारे में, गॉट द पॉइंट। केवल बस रीड करना, मैं वर्किंग नहीं, वर्क कोई नहीं दे रहा हूँ, वर्क आपको क्या करना है, सीरीज और पैरेलल आपको जो भी, जैसे कॉइन, जैसे मैंने बता दिया बैटरी 9 वोल्ट से, ठीक है, तो आप क्या करो कॉइन्स को ले लो, ठीक है, कॉइन्स को लेके डिजाइन करो, ठीक है, जैसे कॉइन्स को लेके डिजाइन करो आप, जैसे मैंने करा 9 वोल्ट से, आप इससे करो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है सीरीज पैरेलल का। और क्या होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि हमें कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है अपना सारा कुछ, तो थोड़ा सा आपको भी हेल्प, देखो कहीं कोई समझ रहा है तो मैं बैठा हूँ, बिल्कुल आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। फोटो रजिस्टर से स्टार्ट करना है, जस्ट क्या कि जस्ट डालना है व्हाट इज, व्हाट इज फोटो रजिस्टर, ठीक है, व्हाट इज फोटो, जस्ट इतना डालना है बस, क्या है, फोटो रजिस्टर पैसिव दैट डिक्रीज रेजिस्टेंस विद इज रिसीविंग ल्यूमिनोसिटी लाइट, बस इतना आपको पढ़ के आना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एक बार आप यहां कर भी देख लेना, डिक्रीज रिसीविंग ल्यूमिनोसिटी, ल्यूमिनोसिटी मींस लाइट होती है, ठीक है, बस सिंपली रीड करके आना है। कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत नोट्स बनाने, कुछ नहीं करना है, जस्ट एज अ वर्किंग ही, केवल वर्किंग क्या मींस कि उसके बारे में क्यों यूज होता है, व्हाई आर यूजिंग, गॉट इट, सही बच्चों को समझ में आ गया, यस किसी सर, यस को सर, डाउट, नो सर, एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, नो सर, तो अब देखो अब डिस्कस करते हैं। देखो अब कुछ क्लास 12th के विनय सर ने मुझे बताया था कुछ गर्ल्स हैं जो कि मतलब जो हमारे कंपटीशन एक्चुअली कुछ क्लास, ये 10th of June को हमें प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है, तो अब जो बच्चे इंटरेस्ट हैं तो वो विनय सर को नाम दे सकते हैं, अदरवाइज कुछ 7 या 8 गर्ल्स हैं क्लास 12th की, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक सुधांशु हमारी क्लास में, एक सॉरी स्कूल में एक लड़का है, ठीक है, आई थिंक सभी जानते होंगे सुधांशु वो, यस सर, यस ओके, सर, सो ही इज इन नाउ आई थिंक 10th क्लास में। तो प्रीवियस ईयर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनवाए थे उसको साथ मिलके, हमने और उसने, तो कुछ प्रोजेक्ट्स हमने शोकेस करे थे, कुछ प्रोजेक्ट्स हमने शोकेस नहीं करे थे, ठीक है। एंड नाउ वी आर एट होम, अब हम घर पे हैं, ठीक है, तो हम क्या है कि अभी स्कूल भी नहीं सकते हैं, और मैं भी नहीं आ सकता हूँ स्कूल में बिकॉज आई एम नॉट एट दिल्ली। सो अब हम क्या करें कि हमें उसमें कंपटीशन में भी पार्ट लेना है, सो हमने और विनय सर ने बोला है कि कुछ गर्ल्स, ठीक है, कुछ गर्ल्स 7 या 8 गर्ल्स की हम टीम्स बनाएंगे, ठीक है, अभी फर्स्ट फेज में सभी बच्चों को पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट तो सभी बच्चों करना है कि
ऐसा नहीं कि अभी क्या है फर्स्ट फेज में, जो फर्स्ट अभी हमारा जो सबमिट करना है, ठीक है, तो उसमें से ऑलरेडी जो बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से हम कुछ गर्ल्स को सिलेक्ट करके वो प्रोजेक्ट्स हैंडओवर कर देंगे, और वो प्रोजेक्ट सुधांशु के साथ आपको मिलके प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। बस क्या करनी है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है कि व्हाई वी आर सिलेक्टिंग दिस। जैसे मैंने ग्रुप में एक वो प्रेजेंटेशन बच्चे की डाली थी, वो उसने सोशल डिस्टेंस अलार्म बनाया था, सही बच्चों ने देखा वो प्रेजेंटेशन की नहीं? सब बच्चों ने देखी होगी प्रेजेंटेशन वो, ठीक है। तो वैसे ही आपको जो हम प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, एक तो प्रोजेक्ट हम देंगे आपको एक सुरक्षा, आप कह सकते हैं सुरक्षा डिवाइस है वो, वुमेन्स गर्ल्स सेफ्टी डिवाइस है, और उसमें क्या होगा फिंगरप्रिंट से, मतलब जैसे फिंगरप्रिंट उसमें इंसर्ट करोगे तो फिंगरप्रिंट से डेटा जाता है, तो एक वो डिवाइस हम आपको देंगे, और एक मतलब वो पूरा वर्किंग मोड में है, ठीक है। दूसरी डिवाइस हम दे रहे हैं आपको कि होम सेफ्टी मींस की, जैसे जो गैस सेंसर बेस्ड है वो डिवाइस भी आप कह सकते हो कि फायर, जैसे कहीं फायर हो गई, ठीक है, तो फायर कहीं लग गई तो फायर से बाई चांस जंगल में लग गई या किचन में लग गई, ठीक है, तो पहले क्या होगी गैस लीकेज होगी, ठीक है, तो गैस लीकेज होती है उसके बाद क्या है फायर आपकी लग जाती है किचन में, तो वो कैसे मतलब कैसे आप उसको ऑब्जर्व करोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से सारा कुछ, ठीक है। तीसरा क्या है अटेंडेंस बेस्ड सिस्टम, अटेंडेंस जैसे कि RFID बेस्ड अटेंडेंस देखिए आपने, जैसे मेट्रो पे आप जाते हो तो मेट्रो पे क्या करते हो कार्ड लेते हो, कार्ड, ठीक है, कार्ड आप वहां पे दिखाते हो तो आपके अटेंडेंस, जैसे मीन्स अगर मैं स्कूल की बात करूँ, अगर मैं स्कूल में लगा दूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक में RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड होता है वो दूंगा, और आप उसे करोगे अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तीन प्रोजेक्ट अभी हमने सोचे हुए हैं आपको मतलब देने के लिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्ट हो तो वो काइंडली अपने नाम, ठीक है, ग्रुप में एक ग्रुप में मिनिमम दो मैक्सिमम थ्री गर्ल्स हो सकती हैं प्रेजेंटली में, ठीक है, तो वो अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्लास 12th के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अपना किस पे करेंगे, टिंकर कैट जो हमारा जो ये जो जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसमें करेंगे, और उनका जो फेज आएगा वो नेक्स्ट फेज आएगा 30 जून को, अभी फर्स्ट फेज चल रहा है, सेकंड फेज में जो बचे हुए गर्ल्स हैं, जो बचे हुए हैं हमारी क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम हैंड ओवर करेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स। गॉट द पॉइंट, किसी को कोई डाउट है? नो काइंडली टेल मी, किसी को कोई डाउट? सर, जो प्रोजेक्ट्स बने हैं सर, उनकी बाकी डिटेल्स हमें मतलब कैसे पता चलेगी अगर हमें आपको, प्रेजेंटेशन बनाना है? हाँ आपको सुधांशु से कनेक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं विनय सर से बात करूंगा कि वो पर्टिकुलर जैसे कि टीम वाइज मुझे नाम दे देंगे, तो टीम वाइज मैं उनको प्रोजेक्ट्स वो हैंड ओवर कर दूंगा, और मैं सुधांशु से कनेक्ट कर दूंगा, सुधांशु आपकी पूरी हेल्प कर देंगे प्रोजेक्ट्स में सारा कुछ, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट और जैसे कैसे ऑब्जर्व करा है सारा कुछ वो आपको मतलब उसमें बनाना है। गॉट इट, ओके सर, किसी को कोई डाउट? देखो ये जो प्रोग्राम है मैं फिर से कह रहा हूँ, इट कैन चेंज योर लाइफ, डेफिनेटली इट कैन चेंज योर लाइफ, अगर कोई बच्चे सीरियस हैं, ठीक है। तो जो बच्चे पिछली बार बता रहा हूँ मैं, रिसेंटली जब ये लॉन्च हुआ था प्रोग्राम तो जो टॉप 30 टीम्स थी, मुझे भी नहीं पता था इतने ज्यादा उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इतना ज्यादा उनको मतलब मौका मिलेगा ऊपर आने का। इवन जो बच्चों पास लैपटॉप नहीं थे, ठीक है, उनको हमने टैबलेट प्रोवाइड कराया फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बस आपको टॉप 30 में आना है, उसके बाद जितनी भी आपकी डिफिकल्टीज होगी वो मैक्सिमम सॉर्ट आउट करा दी जाएगी सब कुछ, बट पहले हम अपना कुछ आइडिया तो दे, जैसे अभी मैं क्या कुछ आपको आइडिया दे रहा हूँ, कुछ आप भी थिंक करो आइडिया कि सर मेरे पास ये आइडिया है, जो पहला भी क्या है केवल आइडिएशन आपसे मांगा जा रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या आइडिया करोगी, अभी कोई वर्किंग मोड पे नहीं कि प्रोजेक्ट पूरा वर्किंग नहीं होना चाहिए, आपका बस आइडिया ही आपका भी क्या है केवल मांगा जा रहा है। जैसे PPT में आपने देखा होगा कि उस बच्चे ने सोशल डिस्टेंस मीटर बनाया टिंकर कैट के थ्रू, ठीक है, तो उसने ही अगर अपना आइडिया सोचा हुआ है तो उसने आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे हम, अभी तो मतलब टाइम जो प्रोटोटाइप हम कब जुलाई में स्टार्ट करेंगे बनाना, बट कम से कम अभी हम क्या करें अपने आइडिया तो जनरेट कर ले, नहीं तो बाद में क्या होगा हौज पौज हो जाएगा, सर आप सब मेरे पास कॉल करेंगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसीलिए वो हौज पौज को दूर करने के लिए मैं अभी से बोल रहा हूँ आपसे कि प्लीज काइंडली जनरेट योर आइडिया, अपने आइडिया को जनरेट करो। गॉट इट, यस सर, यस सर।
किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कि उसको सर। कुछ मतलब इस प्रोग्राम के बारे में समझ में नहीं आ रहा हो कि मतलब क्या हम कर रहे हैं, व्हाट इज अवर मोटो फॉर दिस प्रोग्राम। एनीवन यू कैन सी दैट कि सुधांशु सुधांशु लोग आज इस समय दिल्ली रीजन में आरओ रीजनल ऑफिस में, या आप उसमें सुधांशु को सब लोग जानते हैं, सब लोग। तो वैसे मैं चाह रहा हूँ कि आप भी देखो, आपका भी प्रोग्राम है इसी कोर्स का, तो प्लीज जस्ट मतलब आप मोटिवेट हो खुद से कि मतलब सर मुझसे प्रॉब्लम्स पूछो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सर्किट डिजाइनिंग के बारे में मैं करके दे दूंगा, मैं सारा कुछ करके दे दूंगा स्कूल के लिए, मैं मतलब हमेशा रेडी हूँ सब कुछ करने के लिए, बट फिर आप आगे नहीं सीख पाओ कुछ भी डेफिनेटली। प्रीवियस ईयर देखो सुधांशु इसप्रीत कुछ बच्चे थे जिन्होंने मतलब बहुत मेहनत करी मेरे साथ, और वो पूछ सकते हो कि किस प्लेटफॉर्म पे आज पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जस्ट काइंडली आप भी क्या करो, अपने जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट है प्लीज सोचो उसके बारे में और प्लीज थिंक करो। ओके सर। ओके थैंक यू, और किसी को डाउट है आज के सेशन में तो मुझसे पूछ सकते हैं वो। नो सर। ठीक है, तो जो बच्चे अपनी टीम बनाना चाहते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम थ्री की टीम्स रहेंगी तो दे कैन मेक इट, और वो विनय सर को अपनी टीम्स के नेम दे दें और फिर हम आगे थ्री प्रोजेक्ट्स उनको हैंड ओवर कर देंगे और फिर वो उनकी प्रेजेंटेशन को रेडी करके मुझे सबमिट कर देंगे। ओके सर। ओके ओके सर। सो थैंक थैंक यू, यू बाय बाय सर। ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।